सेंट्रल गाजा में इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक, कम से कम 3 लोगों की मौत, कई घायल। गाजा से सटे सुजैया शहर के ओर से फिलिस्तीनियों का पलायन जारी। इसराइल ने पूरे इलाके को खाली कराने का आदेश जारी किया। इजरायली बमबारी में गुरुवार को 5 मकान हुए तबाह, जबकि 3 लोगों की हुई मौत। वेस्ट बैंक के जनीन में इसराइल के एक सैनिक की मौत हुई। सैन्य ऑपरेशन के दौरान एक बम धमाके में मारा गया सैनिक। इजरायली सेना के मुताबिक विस्फोट में 16 सैनिक हुए घायल। धमाके में कई मकानों को पहुंचा नुकसान। इजरायली सेना की गाजा में लगातार बमबारी, बीते 24 घंटे में 60 लोगों की मौत, 140 से ज्यादा लोग घायल। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, युद्ध में अब तक 37,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान गई, 86,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल हैं। इजराइल की यरूशलम में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, नेतन्याहू सरकार के खिलाफ नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों ने युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की भी मांग की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भी झड़प हुई। दक्षिणी स्लोवाकिया में एक ट्रेन और बस की जानलेवा टक्कर, 6 यात्रियों की मौके पर मौत। प्राग से बुडापेस्ट जा रही ट्रेन के इंजन में हादसे के बाद लगी आग, 5 यात्री बुरी तरह से जख्मी। ब्रिटेन में 4 जुलाई को होने वाले आम चुनाव से पहले डॉक्टर्स ने किया हड़ताल, वेतन और काम करने के बेहतर माहौल की मांग की। लंदन में ब्रिटिश संसद के पास नारंगी टी शर्ट पहनकर डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन, हाथों में तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी। अमेरिका में बाइडेन और ट्रंप के बीच प्रेसिडेंशियल डिबेट सेंटर के बाहर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन, फिलिस्तीन का झंडा लिया प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन की मदद करने का किया ऐलान, 1.9 बिलियन यूरो का देगा मदद। बीते 2 साल से रूस यूक्रेन के बीच जारी है भीषण युद्ध। ब्रसेल्स में नेटो चीफ से मिले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत हुई। मालदीव की पर्यावरण मंत्री फातिमा शमनाज अली सलीम गिरफ्तार। राष्ट्रपति मोइजू पर काला जादू करने के आरोप में पुलिस ने मंत्री समेत कुल 3 लोगों को अरेस्ट किया है। ब्राजील में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरी महिलाएं, अबॉर्शन से जुड़े बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। केन्या की राजधानी नैरोबी में विवादित वित्त विधेयक के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे, कई लोग घायल। चीन में 2 पूर्व रक्षा मंत्रियों पर बड़ी कार्रवाई। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप में ली शांगफू और वेई फेंगहे को पार्टी से निकाला।